की मॉरल राइट है कि तुम उस कुर्सी पर बैठे रहो, थोड़े होंगे थोड़े को कम जाए कोई औरत, औरत सेफ नहीं है। एक बेचारी अपने मकान ले जाती है तो वो इज्जत लुट लैंदा, दूजी तेरा धन्यवाद करन जाती है तो वो इज्जत लुट लैंदा, तू वो जवान कुड़ी नू कैनेडा दे विच फोन करदा है कि तेरी माँ की डीपी कैंट है, वो तो जवान कुड़ी लगती है, उन्हें रात को 2:30 बजे तू वीडियो कॉल्स करदा है कि घर के बूहे नहीं सी हुंदे, सैकल नहीं सी हुंदा, मूँह ते टांके लवाउण लई पैसे नहीं सी हुंदे, अज हजारा करोड़ों की जायदाद किवें बनदी है। तो गुरबाणी भी कहती है कि जब सोने दियाँ कंधा बनदियाँ ये बेईमानी नाल बनदी है। ये फेक मैसेजेस कह के तुसीं टाल सकते हो लोगों को कुछ दिन लिए, कानून के गले में तो नहीं बन पाना कि मैं 12 किले की कोठी बना ली, उत्थे मैं हैलीपैड बना लिया, फिर मैं CM बनूंगा, फिर CM बन के फिर मैं उत्थे मेरा जहाज उतरूगा, फिर उत्थे दी जिहड़ी मर्जी जनानी नूं मैं हाथ पा लूँगा, उहदा सुपना टुट गया। जिन्नी एंटी इनकंबेंसी कांग्रेस की है, माड़ा शासन, राशन ही खा जाना, फतेह किट्स चो भी पैसे बनाने, टीकिया चो भी पैसे बनाने, शड्यूल कास्ट बच्चों के स्कॉलरशिप खा जाने, करप्शन अंत ही नहीं, जाली शराब बना बना बेचनी। जे कोई इस इशू नूं इशू बना के वोटां दी राजनीति करदा, मैं समझदा 10 गुणा ज़्यादा गुनाहगार है वो जिहड़ा बेअदबी करन वाला है। वो एक कैप्टन साहब ने जिहड़ी गुटका फड़ के सब तो वड्डी बेअदबी कीती है, झूठे वादे कीते हैं, वो उस दा असर है, उहदी दुरअसीस इन्हां नूं मिलनी ही मिलनी। जिहड़ा बादल जाके इन्हां ने फैक्टरी फड़ी है, वो मालक का नाम क्यों नहीं दसते कैप्टन साहब? वो मालक दे विच इन्हां दा सियासी आगू है। अज इत्थे औरत सेफ नहीं, अज इत्थे कोई साधारण आदमी सेफ नहीं, अज जिहड़े शड्यूल कास्ट बच्चे है उन्हां दे स्कॉलरशिप सेफ नहीं। तुसीं देख रहे हो निरपक्ष पोस्ट, जिस तरह कि तुहानूं पता है कि पंजाब 'च जिहड़ी राजनीति है कितें ना कितें गरमाई हुई आ, 2022 दीआं इलैक्शनां आ रहीआं, उस संबंध दे विच अज न्यू शिमलापुरी दे विच सरदार जगवीर सिंह सोखी जो कि साबका कौंसलर रह चुके ने, उन्होंने ग्रह निवास से अज यूथ अकाली दल वालों उन्होंने जोड़े मैंबर ने अते श्रोमणी अकाली दल की पूरी लीडरशिप आ जी BSP पार्टी के नाल गठबंधन होने तो बाद सारी लीडरशिप इतने पहुंची हुई है, लड्डू भी वंडे गए, तो सम्मान भी किया गया। विशेष तौर पर ढांडा साहब साढ़े नाम ने हरीश राय ढांडा जी, उन्होंने गलबात करते हैं कि उन्होंने की बना सर की कहना चाहोगे अज विशेष तौर पर तुम इतने पहुंचे हो, सम्मानित किया गया, लड्डू वंडे गए ने, BSP पार्टी के गठजोड़ होया, इस गठजोड़ लैके की कहोगे? ये देखो एक बड़ा इतिहासिक गठजोड़ होया, क्योंकि BJP नाल गठजोड़ टुटन के बाद इस किस्म के कैफे लाए जा रहे थे कि पता नहीं वोट टुट जू फलाना हो, तो जिहड़ी बहुजन समाज पार्टी है उहदे नाल जिहड़ा गठजोड़ है वह साडा नैचुरल है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल गुरुआं दी दित्ते होए आदेश दे उत्ते असीं जात पात की राजनीति नहीं करते। मानस की जात एक पहचान हो, इहदे रखवाले हैं। बाबे नानक का जिहड़ा पैगाम है कि हर इंसान एक है, ना कोई नीच ना कोई उच, यही पैगाम बहुजन समाज पार्टी है। असी बहुजन समाज पार्टी साहब श्री कांशी राम जी की लगाया होया बूटा, वह भी पंजाब की धरती दे जंपल, पूरे हिंदुस्तान दे विच एक सोशल अपलिफ्टिंग सोशल लहर जिहड़ी साहब श्री कांशी राम जी लेके आए, वह मायावती जी ने पहचाने, सरदार सुखबीर सिंह बादल ने पहचाने, जिहड़ी 25 साल पहला साडा गठजोड़ सी उहनूं अज दोहराया है। ये नहीं कि मैं कहने लिए कहना कि मैं सियासी आदमी है, तुसी देखो नैचुरल खुशियां हैं, अज इत्थे लड्डू वंडे जा रहे हैं, ये नैचुरल है। एंड इहदा असर की होना, इहदा इंपैक्ट देखो तुसी की होना है, जिहड़ी ट्रांसलेशन ग्राउंड दे उत्ते असर होना है, ये स्वीप हो। जिन्नी एंटी इनकंबेंसी कांग्रेस की है, माड़ा शासन, राशन ही खा जाना, फतेह किट्स चो भी पैसे बनाने, टीकिया चो भी पैसे बनाने, शड्यूल कास्ट बच्चों के स्कॉलरशिप खा जाने, करप्शन अंत ही नहीं, जाली शराब बना बना बेचनी, फैक्ट्रिया दैक्ट्रिया इन्हों MLA ने फैक्ट्रिया चलानी है, ये जिहड़ा सारा सिस्टम ऑफ करप्शन शुरू किया होया है, तो जिहड़ा इन्होंने पिछली बार एक ओह बेअदबी दे इशू नूं लैके अकाली दल ते हमला करके उन्हूं एक जिहड़ा सियासी इशू बनाया, वह भी लोगों ने हुण नकार देना, क्योंकि बेअदबी कदे गुरु की हो ही नहीं सकती, जिहड़ा कवे वह गलत कहिंदा असीं उहनूं नकारदे हां। हाँ कुछ ही हरकत कोई कर सकता है, पर
जे कोई इस इशू नूं इशू बना के वोटां दी राजनीति करदा मैं समझदा 10 गुणा ज़्यादा गुनाहगार है वह जिहड़ा बेअदबी करन वाला उहदे नाल। एक कैप्टन साहब ने जिहड़ी गुटका फड़ के सब तो वड्डी बेअदबी कीती है, झूठे वादे कीते हैं, वह उस दा असर है, उहदी दुर असीस इहनां नूं मिलनी ही मिलनी है। BSP पार्टी नाल थोड़ा गठबंधन होया वा कि लगता कि जी अकाली दल आ कि ना कि जी राजनीतिक जमीन आ खत्म होंगी जा रही थी जिदे करके हुण उन्हां नूं इस पार्टी का भी सहारा लेना पिया, पहला BJP दे सीगा। सहारे की गल नहीं होंगी, राजनीति दे विच सदा गठबंधन बनते हैं। हुण असीं जे कहीए कि पूरी कंट्री दे विच असीं प्राइम मिनिस्टर बना लाँगे, असीं नहीं बना सकते, गठबंधन होंदा है। ये जिहड़ा गठबंधन है ये हमेशा समाज जोड़न लई होंदा है। अगे असीं BJP नाल गठबंधन जिहड़ा कीता सी अटल बिहारी जी दे समय, वो हिंदू सिख भाईचारा बचाने लई कीता सी, एंड अटल बिहारी जी ने उहदा बहुत वड्डा रोल भी निभाया जिहड़ा मुड़ के 84 दे बाद जिहड़ा ट्रस्ट सीगा सिख कौम दा ते पंजाबियां दा वह मुड़ के उजागर होया, दृढ़ होया। हुण जिस ढंग दे नाल मौजूदा BJP चलाई जा रही है वह साडे लई सफोकेटिंग सी। ते हुण देखो तुसीं जिहड़ियां असीं सीटां दित्तियां गईआं, साडियां 12 सीटां तां वह MBA चों जिहड़ियां BJP करदी सी, 8 होर सीटां जिहड़ियां असीं समझदे हां नैचुरली उहनां कोल साडे नालों बैटर कैंडीडेट है। ये जिहड़ा अलायंस है, ये पंजाब एक ऐसी स्टेट है कंट्री दी जिहदे च सब तो वध शेड्यूल कास्ट भाईचारा है, 34% है। जे उस वर्ग का पंजाब के दूसरे वर्ग के नाल एक मेल हुंदा है तां इह पंजाब दे विच अमन शांति दे विच बहुत वड्डा रोल अदा करो, पंजाब दे अच्छे समाज के भविख नूं सिरजन लई एक बहुत वधिया न्यों हो। तो ये वो न्यों रखी है सरदार सुखबीर बादल ने ते भैन श्री मायावती जी ने जिहड़ा पंजाब च एक नवीं लहर, एक नवीं उम्मीद, एक नवीं दिशा, एक नवीं तरक्की पंजाब च लैके आओ, पंजाब मुड़ के फिर हिंदुस्तान का पहले सूबे की जगह लैण का हकदार बनो। पंजाब की राजनीति दे विच की लगता भी कैप्टन सरकार नूं 4.5 साल तो भी उपर का बकवा हो गया कि वो जिमें नशे के मुद्दे तो देखा भी 4 हफ्तों खत्म किया जाए, नौकरियां दित्ती जाएगियां, कि लगता कि वो खड़े उतरे नशे नशे तो दूर तक ही करने से, नशे तो इन्होंने MLA मंडते हैं। जिन्या शराब दियाँ वैध फैक्ट्रियां हैं 7 MLA ते ED ने नोटिस दिता, इन्हों लुधियाने के मंत्री दिता है, लुधियाने के मैंबर पार्लीमेंट से दिता है, उन्होंने लुकते फिरते हैं, उन्होंने इतों ट्रांसफर करा के जलंधरों दिल्ली लै गए हैं क्योंकि इन्हों को बहुत माल मंडा इकट्ठा किया हुआ है, उस माल मंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हुण सिद्ध हो गया, तुसीं देखो इन्हां दी आपसी लड़ाई हुई, जिहड़ा बादल जाके इन्होंने फैक्टरी फड़ी है वो मालक का नाम क्यों नहीं दसते कैप्टन साहब, वो मालक दे विच इन्हां दा सियासी आगू है। हुण जिहड़े अपना पहल दे विच सी उहदे च कौन सी, जिहड़ी जगराओं की फैक्टरी सी उहदे च कौन सी, इन्हां दे MLA एस्टैबलिश्ड MLA। जद एक सरकार की आम जिहड़ी लोकां नूं प्रोटैक्ट करन लई है, जिहड़ी विधि बनाने वाली है, जिन्हें कानून बनाना है, जे वह कानून तोड़ूगा तो फिर हल की होगा, लॉलेसनेस होगी ना, लॉलेसनेस है। अज इत्थे औरत सेफ नहीं, अज इत्थे कोई साधारण आदमी सेफ नहीं, अज जिहड़े शेड्यूल कास्ट बच्चे है उन्होंने स्कॉलरशिप सेफ नहीं, अज गरीब के हक का अन्न जिहड़ा सेंटर ने भेजिया वो कल्ले दा कल्ला एक मंत्री खा गया लुधियाने का, 2 दिन च कहिंदा मैं वंड दिता। एक काबिलियत खाण की काबिलियत है, वंडन की काबिलियत नहीं है, ये सुधार आना चाहिए। तो कांग्रेस किसी का हुण विश्वास नहीं है। जे लोक इंसाफ पार्टी की गल की जाए तो सिमरजीत सिंह बैंस से लगातार इल्ज़ाम लगते पे ने, एक औरत हुण होर सामने आई आ, लोग इन्हां नूं मसीहा मानते हैं, पर इस टाइम जो हालात ने तुसीं उत्ते की कहना चाहोगे कि इस तरह का जिहड़ी राजनीति होनी चाहिए या इस तरह के लोग राजनीति से रहने चाहिए ने? देखो पहला एक औरत आई, उन्होंने एक महीना वॉच करके जब मैं देखा कि वो धक्का हो रहा है मैं उसकी बांह फड़ी, मैं थोनों दस नहीं सकता किन्ने ऑब्सटैकल्स मैनू आए हैं। ये जिहड़े बहुबली है टिपिकल बदमाशी वाले लीडर हैं, गुंडागर्दी वाले लीडर हैं, मेरे ते हमला, मैनू रेपिस्ट किया इन्हां ने, उहदा मैं डेफेमेशन केस किया, इन्हों का सनी कैंट समन होया होया, 2 तरीक से पेश नहीं होया, हुण अगली 7 तरीक पई है पेश होगा। फिर इन्होंने मेरे ते एक चोरी का केस आशू जी ने रजिस्टर कराता अपने चमचे नूं फड़ के, जिहड़ा इन्हां दी SSP जिहड़ा ताश खेडदा हुंदा सी इहदी डेयरी च बैठ के, वह केस झूठा है, उहदे च मेरी जमानतां भी हो गई, मेरे कैंसलेशन भी हो गए, मैनू इन्हां ने तौलिया चोर कह के कि मैं डर जावां, पर मैं डरन वाला नहीं। अदालत दे विच भी मैनू बड़े अड़के आए हैं, उत्थे भी
ਤਰੀਕਾਂ ਲਓ, ਬਹਾਨੇ ਲਓ, ਵਕੀਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਿਓ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰਤਾ ਆਰਡਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਆਰਡਰ ਕਰ। 5 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਰਡਰ ਹੋਊ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੀਮਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਟਿਆਲ, ਕਪੂਰ IPS, ਜੱਗਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ SHO 6 ਨੰਬਰ ਦਾ, 4 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦੀ 2 ਤਰੀਕ ਅਗਲੀ, ਮੈਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਮਨ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰੇਪਿਸਟ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੋਰਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਔਰਤ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ DP ਘੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਪ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਦੇਖੋ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰੇ ਕਰੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਵਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ 5 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਪੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਰਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਹਰ ਹੈ ਫੇਕ ਮੈਸੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਫੇਕ ਮੈਸੇਜਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਤਹੀਕਾਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ। ਇਹ ਫੇਕ ਮੈਸੇਜਸ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਕੁੜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ, ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜਤੀ, ID ਭੇਜਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੀਚੋਂ ਧਰਤੀ ਖਿਸਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅੰਪਾਇਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ CM ਬਣੂੰਗਾ, ਫਿਰ CM ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲ ਕਰਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁਰਮ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਗੰਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, 24 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਅੱਧ ਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ?
तुसी दसो कैसा समाज है कि धी भैन किसी की एक एम एल ए दे घर च सेफ ना होवे। जद बड़ा मजाक उड़ाया गुरदीप कौर नूं कह के कि वह कमरे की गल कहिंदी, उन्हें सारा डिटेल दस्या कि यह या मैनूं 1:30-2 बजे बुलांदा सी, जां सारे बंदे कढ दिंदा सी, उहदा पिछे दी दरवाजा सी, जां मैनूं इह रात नूं बुलांदा सी, मैसेज कर कर बुलांदा सी। हुण दसो इह कहिंदा है कि मेरे पी ए ने फोन किया सी कि स्कूल बारे पुछना सी। पहली गल तां उह टीचर है, उह स्कूल की प्रिंसीपल नहीं, उहदे कोल कोई जानकारी नहीं हो सकती। जे किया भी है तो पीए दे फोन तो दिखा कि तू हल्के दे सारे स्कूलों फोन किए, दिखा। एक एक्सक्यूज बना लेना ना, जब बच्चा स्कूल जाता नहीं, मास्टर पुछता क्यों नहीं, कल मेरा ढिड दुखदा सी जी, जब पेपर देना नहीं आता, मैनू जी पेट खराब है, टट्टियां लग गई, ये बहाने हैं, ये लेम एक्सक्यूज़ नहीं चलने। बैंस साहब न अल्टीमेटली कानून घेरूगा। मैं तो बड़ी देर का कहना, मैं पता है लॉ च डिले होंगी है, पर जे तुसी कहो कि लॉ पहुँचता नहीं, पहुँचूगा, देर आ पर अंधेर नहीं। 100% मैं कन्विक्टेड है कि इस बंदे नूं सज़ा होनी होनी है। अच्छा, जो कुछ ने किया, 6 महीने ने लेट किया, उहदे बाप दे पिछे कार मार के एक्सीडेंट किया, उहदे खिलाफ़ एक कंप्लेंट कराई हुई है पंचकूले तो, मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट की हुई है एक राजस्थान तो, उन्हां नूं धमकी आ रही है कि यूपी तो तेरे खिलाफ़ कंप्लेंट हो रही है, मैनू धमकियां दित्तियां कि असीं वैपन चक ले तैनू मारांगे। मैं तो कल्ला तुरिया फिरदा है। ये जिन्ना कुछ ने किया इहदा असर पता की होना है, जिद्दन केस सिस्टर हो गया इहदी बेल नहीं होगी, जोर ला लवे सुप्रीम कोर्ट तक, मैं भी लॉयर है, इहदी बेल नहीं हो सकती। इन्हें अपने लिए कवर पट्टी है, एंड वो कवर च जाऊगा। देखो, इस हरकतों के बावजूद नहीं बाज आता। आ 23 अक्तूबर की गल है, उस बच्ची नूं कैनेडा तो रात नूं 2:30 बजे फोन करदा है, बाई गॉड, ये डाइजेस्ट किवें हुंदी है? ये साडा समाज है जिहड़ा ना, साडा समाज के अंदर जिहड़ियां चीज़ खत्म हो गई। जे कित समाज कॉन्शियस समाज हुंदा, अज इहनूं घरों घड़ीसके ते जुत्तियां मारियां हुंदियां, ये लायक है? इस आम शरीफ आदमियों के विच फिरन दा हकदार है? एक शरीफ औरतां जिहड़े महल्ले चों लंघदियां होण, उहदे विचों ये बंदा लंघन दा हक रखदा? नहीं रखदा। टांडा साहब, ये गल कही जाए भी जिहड़े कहिंदे भी चले हुए कारतूस ने, लगता इस बारी कारतूस चलूगा तो सज़ा करा के हटूगा? देखो, इलैक्शन हारना इलैक्शन जितने दे नाल किसी नूं कुछ ही, मैंने तो गाला भी कढ़दे हैं इन्हां दे नाल, कुछ मेरे वकील साथी भी हैं, वो मैं बहुत भद्दा बोलते हैं। एक होर इन्होंने वकील मूहरे किया, वो मेरे ते चार्ल्स शोभराज दे नाल बना के फोटोआं पाता मेरियां। देखो, ये गल्लां दे नाल तुसीं किसी नूं रोक नहीं सकते। एक कमज़ोर आदमी डर जाते हैं, तो होछे आदमी ये हरकतां करते हैं। ये होछे हैं तो मैं कमज़ोर है नहीं। देख, इलैक्शन हारना इलैक्शन जितना अलग चीज़ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इलैक्शन हार गए सी दिल्ली चों, क्या चले हुए कारतूस से? इलैक्शन एक समीकरण होंदा, एक तरीका होंदा जिहदे च हारदे। सदा प्रकाश सिंह बादल इलैक्शन हार गए सी, ये कोई लंबी चौड़ी गल नहीं। इंदिरा गांधी हार जित दा ही नतीजा, इंदिरा गांधी नूं राजनारायण ने हराता सी, हार जित की गल नहीं होंदी। ये सब तो बड़ी चीज़ है समाज के विच, थोड़े कोल नैतिक अधिकार है समाज विचरन दा, थोड़ा दामन साफ है। एक कुर्ता पजामा चिट्टा पा के ते पग मन लैनी तुसी केसरी, तो भगत सिंह दे बन जाना वारस टिक्का ला के, नहीं बन सकते। थोनू अपनी अंतर आत्मा साफ करनी पैंदी है। जे साफ होंदे तो कल दी तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीगे, तुसी देखी तो होनी है ना। हर 2 मिनट बाद इहनूं मूँह पूंझना क्यों पैंदा? त्रेलियां क्यों आंदियां सी इहनूं? इहनूं बाहां क्यों पूंझनियां पैंदियां सी? इहदे कुकर्म बोलदे सी। इहदा जिहड़ा अतीत है ना, वो घेर घेर के दे अगे आ रहा, घेर घेर के कि तू बच के किवें जाएगा, तू जिहड़े पाप कीते आ तैनूं पाप घेरनगे। ये जिहड़ा घड़ा पाप का होंदा ना, एक दिन जरूर फुटदा। ये रेयर बंदे जिहड़े इन्नी देर तक बच जाते हैं, इन्नी देर तक चली जाता, बेचारियां सोचदियां इहनूं ते कि इह एम एल ए आ कुछ करना देवे, डरदियां मारियां बोलियां ने, बट ये बच नहीं सकूगा। ये डिटरमिंड है वो लेडी जिहड़ी 7 महीने की अज की धुप्प च भी बैठी है, मींह च भी बैठी है, ठंड च भी बैठी है, तुसीं किसे उहदे घर चले जाओगे? 3 दिन पहला वो हौलदार राही मैसेज आ गया जिहड़ा उत्थे रख्या होया उन्हां दे सिक्योरिटी ते, कि 15 लाख दे के तैनूं मार देणगे। वो बंदे ने ऑन कर लेना कि मैं मारिया, बैंसा का कुछ होना नहीं, तेरी जान चले जाऊ, जिहड़ा तैनूं 1-2 करोड़ मिलता ले लै। टांडा साहब, जे मैं एक गल करा, एक आम लेडीज़ घर की कोई भी होवे, जे उह कितें इस तरह के राजनीतिक बंदे नाल कोई पंगा लैंदी आ जां उहनां दे बरखलाफ कंप्लेंट दिंदी आ, चाहे वह सच होवे चाहे झूठ होवे, वो तो ही होंगे जे उहदे पिछे कोई सपोर्ट होवे, कितें उह अकाली दल की कांग्रेस की सपोर्ट तो नहीं उन्होंने लेडियां नूं? महाराणी झांसी मगर कि सपोर्ट से, ये जड़ा
मर्द प्रधान समाज है ना वह औरत नू इसे मानसिकता नाल देखता जिदे चो तुसी मैनू सवाल पूछे मैनू एक गल दसो लोग अक्सर सवाल करदे मैं थोनू सवाल करदा मैं थोड़े आके को गोली मार दिंदा थोड़े सट लग जाती है थोड़े कृपान मार दिंदा थोड़ी लत बढ़ जाती है क्राइम नहीं है जे औरत नाल जबर जिना हुंदा है इहो जिहा क्राइम नहीं है क्या उहदे कोल बोलन दा अधिकार नहीं जाके शिकायत कर देवे जे उह बोलदी है तुसीं इहदा मतलब समाज नूं हिंदुस्तान दे नूं खास तौर पर पंजाब दे नूं इह समझ लिया कि औरत जब तक कोई बंदा मदद नहीं करेगा पोलीटिकल पार्टी उदों तक बाहर आके अपने नाल कुकर्म किते दी बयान ही नहीं कर सकती इन्ना माड़ा तुसीं बनाता समाज हैगा ताई बनाया तुसीं भी सच्चे हो एंड यह भी सच है कि 7 महीने उस औरत की सुनवाई नहीं हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह उस कुर्सी पर बैठन का हकदार नहीं है वह पापी है पंजाब का इस औरत दे किते पाप का पापी है ये बच नहीं सकता कैप्टन अमरिंदर ये आशू नहीं बच सकता वह पापी है जिहड़ा इहनूं छतरी दिंदा है ये गुरु घर दे गुनाहगार है ये बैंस ब्रदर्स इहदा भरा गुनाहगार है टंड साहब की लगता है इहनूं इस्तीफा इहनूं करे की लगता कि जिहड़े राजनीतिक लोग ने उहनां दी शह दे उत्ते ही फिर इहनूं नूं बचाए जा रहे तुसीं कह रहे हो तुसीं राजनीतिक कहिंदे हो बिल्कुल मैनूं तां दुख है मेरे अलावा गोशा सी होर किन्ने क बोले दसो मैनूं तुसीं दसो किन्ने क बोले असैंबली च किन्ने सवाल चुकिया हथ रस दियां एडियां बड़ियां गल्लां बोलता फिरदा मिस्टर जाखड़ मैं मिस्टर जाखड़ नूं फोन किया कि जाखड़ साहब उस सुन लो उन्हूं आके तुहानूं गलत लगदी है ना मत मदद करो ए जी कर नहीं सकते मैं खहरा साहब नूं कहा साडा जी साथी रहा वह बीबी मनु के बेचारी वह बोली उहदे ते प्रैस कॉन्फ्रेंस करती कि जी जाली सेंटर चलांदी सी पता होना तुहानूं वह बेचारी डर के घर बह गई क्वेश्चन यह है इस समाज दे विच छाती तान के किसी मजलूम की मदद करन वाले लोग रहे नहीं मर गए दा मतलब यह हो गया जी जिहड़े गरीब लोग ने जे कोई इदां दा इल्जाम लाउंदा तां राजनीति दे विच राजनीति इज्जत तो वध के होगी फिर तां बिल्कुल है इहनूं डिफेंड कर रहा कैप्टन अमरिंदर ये कमिश्नर पुलिस नूं कुर्सी ते बहिण दा अधिकार नहीं इहदे बाद फिर उहनां दे खिलाफ़ क्यों नहीं कंप्लेंट दित्ती बोले दित्ती हुई है कोर्ट कोर्ट दे विच कंप्लेंट कीती इहनां दे खिलाफ उहदे विच बयान हो गए इस लेडी दे 2 तरीक का केस है पिछली 2 तरीकों तो जज साहब जो छुट्टी लैके ना चले जाते तो मैं उहदी भी बयान करा देने से इहनां ते भी पुलिस वाले भी अंदर जाणगे मैं जिहनूं कहिंदे ना सिखर तक लड़ाई लड़ूंगा मैं पिछे नहीं हटूंगा मैं उस लेडी नूं विश्वास दिता आई एम विद यू मैं उहदे नाल रहूंगा उहदी लड़ाई लड़ूंगा मैं उहनूं इक गल कही सी जे तूं डिटरमिंड रही तो मैं जिउंदा रहा बैंस अंदर जाऊगा सर आखिर ते पंजाब दी राजनीति दे विच 2022 दी इलैक्शन आ रही ने पंजाब दे लोकां नूं की मैसेज देना चाहूं पंजाब इंसाफ मंगदा है जिहड़े माड़े हालात अज पंजाब पहुँचा दिता है कैप्टन अमरिंदर दी जिन्नी लुट खसुट दे नाल इकनोमिक कंडीशन पंजाब दी उजड़ गई है पंजाब दे जिन्ने स्रोत सिगे उहनां ते डाका पै रहा है एंड इत्थे पंजाब नूं इक चंगी सरकार दी लोड़ है पंजाब देखो अज दे डेट च जिहड़ी पंजाब दी डिवेलपमेंट दी दर है उह इंडिया च नीचो नंबर 2 ते है मणिपुर तों अगे है पंजाब की जिहड़ी एक पर कैपिटा इनकम है असीं 16वें नंबर ते हैं पंजाब का जिहड़ा इंडेक्स है जिहड़ा GDP का वह असीं 26वें नंबर ते हैं जबकि 88 च पंजाब नंबर 1 ते हुंदा सी एजुकेशन दे विच असीं 13वें नंबर ते हैं हुण एक झूठा सर्टिफिकेट लैके आए हैं कांग्रेस वाले सेंटर तो वह किस गल करके है कि पेंडेमिक दे विच प्राइवेट स्कूल्स तो NOC दिते बिना सरकारी स्कूल दे विच एनरोल कर ले बच्चे जिन्ने भी सी पिंडां दे भेज भेज के क्योंकि स्कूल्स अफिलिएटेड एजुकेशन बोर्ड नाल एजुकेशन बोर्ड तो डेटा लैके और सारे बच्चे दाखिल करके दिखाते कि पंजाब दे विच एजुकेशन की बड़ी तरक्की होगी जिदन स्कूल खुल गए नॉर्मल पंजाब ने जिन्ने भर्ती किए हैं सरकारी स्कूल ने सब चले जाने हैं स्कूलों का इन्ना बुरा हाल है देखो पिंडां च जाके देखो इन्हां दे कहन नाल तां अखबारां नाल नहीं ना गन बनदी लैंडलैस बंदा तो दलित जिन्हों का भविख कोई नहीं वो बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं जिमीदार का बच्चा क्यों नहीं पढ़ता मास्टर अपना बच्चा उत्थे क्यों नहीं पढ़ाता जे पंजाब दे विच एक पंजाब का कांग्रेस का MLA करोना ना बीमार हुंदा है तो जिहड़ा बेस्ट हस्पताल है सरकारी रजिंद्रा हॉस्पिटल उहदे च 2 घंटे च भज क्यों जाता है थोड़े सिविल हॉस्पिटल दे विच एक सड़क ते भीख मंगन वाला भी उत्थे दाखला लैके खुश नहीं वो जाना नहीं चाहता ये हालात पैदा आखिर कित्थों होए हैं ये हालातों चो निजात देनी पैनी है पंजाब नूं पंजाब इंसाफ मंगदा है पंजाब नूं इंसाफ देण लई अच्छी सरकार गठित होण दी बहुत जरूरत है धन्यवाद सो सन हरीश राय टांडा जी जिन्हां ने दस्या कि पंजाब की जिहड़ी राजनीति है कितें ना कितें हुण सिखरां ते पहुँच चुकी है तो जिहदे विच हुण BSP पार्टी के नाल गठबंधन किया गया वा हाई कमांड के वलों तो वह भी पूरा सहयोग दे रहे हैं तो बड़ी उन्होंने खुशी की लहर आ तो सिमरजीत बैंस के मुद्दे पर गल करदे दस्या कि
आने वाले टाइम दे विच लेडीज़ दे नाल बिल्कुल डट के खड़े हुए हैं। तो आने वाले टाइम दे विच सिमरजीत सिंह बैंस नूं ओह जेल दीआं सलाखां दे विच पचा के ही दम लैणगे, ते जदों तक ये नहीं हुंदा तो उदों तक वो लगे रहणगे। तो उन्होंने भी दस्सिया कि जिहड़ी लुधियाने की पुलिस आ कितना कितें वह भी विच इनवॉल्वमेंट आ, ते उन्हां ते भी उन्हां ने जिहड़ी आ कार्रवाई कीती हुई आ तां जो कि जिहड़ा इंसाफ दी जिहड़ी डगर ते वह लेडीज़ खड़ी है तो उन्हूं कितना कितें वह इंसाफ मिल सके। पंजाब ते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी वी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट, खबर दी निरपक्ष आवाज़। विजिट करो www.nirpakhpost.com।